हाय एवरीवन, चलो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं फिर से एक बार। अच्छा बता दूं गुड न्यूज़ कि डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट स्टेज में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें कवर नहीं की गई है, जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा फ्यूचर में वो भी वीडियो डालूंगा। इसका रीज़न ये था कि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर कई दिन से डिफरेंशियल चल रहा है, तो डिफरेंशियल अब बस करते हैं क्योंकि अच्छे लेवल की प्रैक्टिस भी हो गई। मेंस तो 100% प्रैक्टिस हो चुकी है बच्चों की। फिर बच्चे कह रहे थे कि सर अब इसमें क्या क्या बाकी है। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें बाकी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी है। फिर एक दो चीज़ें मेरे माइंड में थी कि अगर मैं ये अप्रोच भी बताऊँ तो बच्चों को हेल्प करेगा, ठीक है। उसका कोई नाम नहीं है मेथड का, तो अभी तक मैंने वो नहीं बताया। और आई होप, मैं गेस भी कर रहा हूँ कि अब मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम किसी और टॉपिक, जैसे मैंने सोचा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो मैंने लिया है वो है ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अप्लीकेशन के बारे में मैं अगर बात करूँ, तो अप्लीकेशन जो जेई में पूछा जाता है, हालांकि जेई मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है, वो इतना भी हाई फाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने तो देखो वर्ड प्रॉब्लम आया, और वो भी कौन से, वेरिएबल सेपरेबल वाले या फिर लीनियर डिफरेंशियल के, ठीक है। लेकिन कुछ इससे हट के अप्लीकेशन से, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ग्रोथ, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, तो इसको अलग से लेके और एक टॉपिक बना के सिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली ही उन टॉपिक्स को थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर कर देता हूँ। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा कि सर इसके लिए मतलब बुक कौन सी लेनी चाहिए, या आप कहाँ से इसको सिखा रहे हो। तो क्योंकि ये लेक्चर बोर्ड और जेई के बच्चे दोनों देख रहे हैं, तो अप्लीकेशन वाला पार्ट तो मैं एक नॉर्मल बोर्ड की बुक से सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि उतना भी अगर समझ में आता है तो आगे की चीजें आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस बोर्ड की बुक से ही आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। तो चलो हम पहले तो देखेंगे अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बच्चे ने बोला एप्लीकेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ खास नहीं आता है यार, नॉर्मल रहेगा। जैसे एक पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन में निकाल के आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख लेते कहाँ गया। हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। रेट ऑफ, रेट मतलब dx by dt हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ x मतलब dx by dt हो गया। तो बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो उसने जो पहली लाइन दे रखी है अप्लीकेशन का पहला, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट दैट इंस्टेंट सो मैंने मान लिया कि लेट एक्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इन टाइम टी। तो डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सो अब देखो प्रोपोर्शनलिटी हटाते वक्त एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये दो नेचर का होता है, इंक्रीज के लिए प्लस के होता है, डिक्रीज के लिए माइनस के। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रल, फिर एल एन एक्स
इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक है, के टी प्लस सी। अब गिवन में क्या क्या चीजें हैं जिसे मैं और डिटेल पढ़ता हूँ। बोलता है इनिशियली इफ इट इज फाउंड दैट द बैक्टीरिया डबल्स इन 4 आवर, मतलब अगर तुमने अभी देखा 10 यूनिट है तो 4 घंटे के बाद 20 यूनिट हो जाएगा, तो अगले और 4 घंटे के पास 20 का डबल हो जाएगा, 40 यूनिट्स हो जाएगा। तो कभी भी इनिशियली, क्योंकि इसमें देखो अननोन बहुत सारे हैं, के सी ये तो सीधे सीधे, ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये अननोन है, बाकी डेटा तो दिया रहेगा, ये दो मेजर अननोन है, इसको निकालने के लिए कुछ तो डेटा देगा, तो मैं कंडीशन नंबर 1 लिखता हूँ। अब इनिशियली कंडीशन के लिए टाइम 0 लेना है, टाइम 0 है, एक्स बराबर एन है, हाँ। फिर अगली कंडीशन पे जाते हैं, फिर बोलता है कि टाइम अगर 4 आवर्स होते हैं तो एक्स एन का 4n हो जाता है। फिर बोलता है कि बैक्टीरिया 12 आवर्स में कितना होगा, तो थर्ड कंडीशन जाते हैं कि 12 आवर्स में बैक्टीरिया कितना होगा। अगर बच्चा समझदार है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो लॉजिकली भी दे सकता है कि पहले n है, ठीक है, फिर ये टाइम 0 पे है, फिर टाइम 4 घंटे हो गए तो ये 2n हो जाएगा, ठीक है, फिर और 4 घंटे हो गए तो 2n का डबल 4n हो जाएगा, यानी कि 8वें घंटे में, और 4 घंटे हो गए तो 4n का डबल 8n हो जाएगा, ठीक है, तो यानी 12वें घंटे में 8n, तो आंसर तो 8n आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ऐसे आएगी, लेकिन अगर कोई बच्चा बोर्ड वाला इसे देख रहा है तो वो लिखेगा कैसे, क्योंकि बोर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत है कि लिखेंगे कैसे, यूजिंग कंडीशन 1, यूजिंग कंडीशन 1, क्योंकि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो बोर्ड भी देगा, एंड बोर्ड में डे 1 से आप लोगों को कहता हूँ कि बोर्ड भी इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि चलो यार बोर्ड के लिए क्या पढ़ना, लेकिन कुछ कुछ बोर्ड्स स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, इसलिए बोर्ड को भी फोकस करना पड़ता है, ठीक है। यूजिंग कंडीशन नंबर टू के हेल्प से मुझे क्या मिलेगा, तो ये तो मिल जाएगा ln ऑफ 4n, के की जगह पे k आएगा, टाइम की जगह पे 4 आएगा, c की जगह पे ln ऑफ n आएगा, सॉरी 4n नहीं है, अच्छा ये तो गलत लिख दिया, 4n नहीं था, इसे डबल इन 4r, डबल दिया था ना, डबल इन 4r 2n, तो फिर मुझे पहले तो इस इरेजर से इसे इरेज कर देता हूँ मैं, डबल इन 2 आवर्स बोला था ना, डबल, तो ln ऑफ n हो गया, ln ऑफ 2n माइनस ln ऑफ n इक्वल टू 4k हो गया। अगले पेज पे जाते हैं, 1/4 ln ऑफ m बाई n हो जाएगा, 2n/n इक्वल टू k, 1/4 ln ऑफ 2, ये k बन गया, यूजिंग कंडीशन नंबर थ्री। कंडीशन थ्री क्या है कि 12 आवर्स में कितना होगा, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, के टी, टी कितना है 12, के 1/4 ln 2, तो ये तो के टी हो गया, प्लस सी ln ऑफ n, सो 3 ln 2 प्लस ln ऑफ n, हाँ, ln ऑफ 8 प्लस ln ऑफ n, ln ऑफ 8n, ln ऑफ x, x इक्वल टू 8n, बैक्टीरिया बन जाएगा 8 times। देखो क्या कोई डाउट है इसमें, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें नहीं समझ में आई? फिर कहता है अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, 80 से 50 आ रहा है, ठीक है,
तो जब भी कूलिंग आ जाए तो इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को कैसे समझते हैं इस प्रॉब्लम को? ये कहता है कि द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। थीटा नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। टी क्या है? टाइम। अब इसको डिटेल समझने के लिए, अगर आप एक चाय की कप रख दो, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे, पहले 10 मिनट के अंदर देखोगे तो 50 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, यानी 50 पे आ जाएगा। लेकिन अगर वही 50 से, मान लो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री का है, 50 से लेके 30 तक आने के लिए हो सकता है आधा घंटा पूरा लगा दे। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस कम होते जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग के करीब पहुंचते जाएगा, तो जो कूलिंग का रेट है वो स्लो हो जाएगा। अच्छा, आई एम नॉट अ फिजिक्स टीचर कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा था। इसलिए कि डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि ये टेम्परेचर लॉस है माइनस के, थीटा माइनस। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एट द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे रूम टेम्परेचर दिया है। अब कह रहा है, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो, रुको इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 इक्वल टू माइनस के डी टी, फिर हम इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं, ठीक है। साइन डालने के बाद ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस 25 माइनस के टी प्लस सी। अब हम कंडीशंस को लिखते हैं। बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स। मतलब इनिशियली टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, कब? जब हमने टाइम जीरो, जब ऑब्जर्वेशन चालू किया, 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट के बाद ये टेम्परेचर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर क्या कहता है? फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे के बाद। तो टेम्परेचर तो निकालना है, यूनिट एक बराबर रखो, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। ओके, चलो वही सेम स्टेप्स है। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे है ना, ये सेम स्टेप्स वाले प्रॉब्लम है। तो अगर मैंने कंडीशन वन यूज किया, ब्लैक पेन यूज करते हैं, यूजिंग कंडीशन वन यूज किया, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 80 माइनस 25, 55 के इंटू 0 प्लस सी, माइनस के लिखो चाहे के लिखो, क्योंकि इंटू 0 है तो इसलिए, तो ln ऑफ 55 हो गया। हाँ, यूजिंग कंडीशन टू। सेव हो रहा था डॉक्यूमेंट, चलो ठीक है। यूजिंग कंडीशन नंबर टू तो ln ऑफ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 माइनस 25, 25 आएगा, 25 हो जाएगा। देखो 25 इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम पीरियड 30 प्लस ln ऑफ 55। तो ln ऑफ 25 माइनस ln ऑफ 55, हाँ, इक्वल टू माइनस 30 के, तो ये हो जाएगा -1/30 ln ऑफ। चलो थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं क्योंकि मे भी यहाँ दिखेगा नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे लिख रहा हूँ ln ऑफ 55, 25 माइनस ln ऑफ 55 इक्वल टू -30 के, -1/30 ln ऑफ 25/55। हाँ, तो ये के आ गया। फिर देयरफोर अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, ln ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल टू 60, माइनस के था तो ये हो जाएगा प्लस टी, टी था
60 बाई ln ऑफ 25 यानी 11 बाई 5 प्लस सी, प्लस सी मतलब ln ऑफ 55। ओके ये तो गया इससे, फिर ये पावर बन जाएगा, देयरफॉर ln ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल टू ln ऑफ 121 बाई 25 प्लस ln 55, देयरफॉर ln ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल टू ln ऑफ 121 बाई 25 इंटू 55। थीटा माइनस 25 काटोगे तो 121 है, ये 11 से काटेंगे 121 है ना, कहाँ गड़बड़ हो रही है, अच्छा ऐसे कटेगा 5 जा 5 11 जा 30 kt प्लस ln 55 थीटा माइनस 5/11 है 11/5 है, ये देखो यही तो गलती होती है, छोटी 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 गलतियां आगे बहुत भारी पड़ती हैं। तो ये अच्छा, ये तो मैं ये नहीं छुपाऊंगा कि ये तो मैं जानबूझ के करता हूँ, नहीं भाई मेरे से होती है, ठीक है, छोटी छोटी गलती एक फ्लो होता है ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए इतनी न्यू है कि लिखते वक्त ध्यान कहीं और हो चला ही जाता है मेरे लिए। 25 बाई कहाँ गया भाई, 25 बाई 55 कर लेते हैं, अगले स्टेप में चलो काट देता हूँ, 5/11 कर देता हूँ, ठीक है, और ये 2 को उसके पावर में डाल देता हूँ, तो फिर ये 25/121 इंटू 55 कर देता हूँ, ये आ गया 11, ये आ गया 5/125/11, थीटा इक्वल टू 25 प्लस 11 जा 121, बचा कितना 4 यानी 3 जा 36, फिर बचा कितना 76। बस दो डेसिमल के दो प्लेसेस तक आ जाए 36.36 डिग्री सेल्सियस। क्या इसमें कुछ डाउट है? बिल्कुल नहीं होना ही चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है, कर चुके हैं हम, ठीक है। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच ओरिजिनल मास 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट टू मास ऑफ 0.5 ग्राम। वही है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया, थर्ड प्रॉब्लम कि लेट एक्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, फिर dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, dx बाई dt इक्वल टू माइनस के एक्स, dx अपॉन x इक्वल टू माइनस के डी टी, ln ऑफ x इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। फिर बोलता है टाइम पीरियड निकालो जब ओरिजिनल मास, तो पहले कंडीशंस को हम लिख लेते हैं। पहली कंडीशन कह रहा है, मोटी पेन से लिखते हैं, कि टाइम जीरो है, ओरिजिनल मास 1.5 है। दूसरी कंडीशन कह रहा है टाइम कितना लगेगा कि ये मास जो है 0.5 में चेंज हो जाए। ओके, तो फिर इफ आई एम गोइंग टू पुट दिस 1.5 हियर, व्हाट आई विल गेट, ln ऑफ 1.5 इक्वल टू 0 प्लस सी, सी इक्वल टू ln ऑफ 1.5, सी इक्वल टू ln ऑफ 1.5, एंड इफ आई विल पुट दिस 0.5 ओवर हियर, so ln of 0.5 equal to minus kt plus c ln of 1.5, ये उधर लेते हैं ln of 0.5 by 1.5 equal to minus kt, ln of 1 by 3 equal to minus kt,
माइनस हटाना है तो ln ऑफ 3 कर दो यहाँ पे, क्योंकि ए बाई बी का माइनस बी बाई ए होता है, और ln हटाना है तो ई रेज टू कर दो। तो ठीक है, टाइम पीरियड तो इतना आ गया। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें आंसर क्यों नहीं है। देखो, दो कंडीशन वाले में एक्सप्रेशन आता है, तीन कंडीशन वाले में आंसर आता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन के लिए भी कभी कभार पूछता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट एनी टाइम टी गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। नंबर 4, x इक्वल टू पॉपुलेशन एट टाइम टी। फिर उसने बोला कि द रेट dx by dt directly proportional to x, dx upon x equal to, क्योंकि increase हो रहा है, k dt, integral integral ln of x equal to k t plus c। ठीक है, say number 1। conditions लिख लेते हैं। पहली conditions में बोलता है कि actual population जो है city की 40 ईयर्स में 30,000 से, मतलब 30,000 इनिशियली है, टाइम जीरो है। ठीक है, पॉपुलेशन में 30,000 है। दूसरी कंडीशंस में हम लिख लेते हैं कि टाइम 40 ईयर्स में ये पॉपुलेशन 40,000 डबल्स बोला है क्या, एक मिनट है, 40 ईयर्स में, ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 40,000, 40 ईयर्स में 40,000। फिर रिपीट कर देता हूँ, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट एनी इंस्टेंट टी गिवन दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट एंड दैट इन अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000। दो कंडीशन वाला है, मतलब एक्सप्रेशन ढूंढने वाला है। ओके, सो यूजिंग कंडीशन वन अगर हमने देखा तो 30,000 डाल देंगे, टाइम जीरो हो जाएगा, सी इक्वल टू एल एन ऑफ 30,000। एंड यूजिंग कंडीशन टू अगर मैं इसमें डालूँ तो एल एन ऑफ फोर्टी थाउजेंड इक्वल टू के टी, के इज के एंड टी इज व्हाट 40 प्लस सी इज एल एन ऑफ 30,000। उस साइड गया, इट बिकम एल एन ऑफ 40,000 माइनस एल एन ऑफ 30,000। ठीक है, इक्वल टू 40K एल एन ऑफ 4/3 इक्वल टू 40K एंड 1/40 ln ऑफ 4/3 इक्वल टू k। तो ये आने के बाद इफ आई एम गोइंग टू रीपुट ईच एंड एवरीथिंग इट विल बिकम ln ऑफ x इक्वल टू k t ना, तो t by 40 ln ऑफ 4/3 फिर प्लस एल एन ऑफ 30,000। फिर टाइम पीरियड ऊपर डाला, एल एन ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ 4/3 रेज टू टी बाई 40 प्लस एल एन ऑफ 30,000। ठीक है, एल एन एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ 4/3 टी बाई 40 इंटू 30,000। ठीक है, x इक्वल टू 30,000 4/3 टी बाई 40। तो फिर ये ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। ओके, एक और लास्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। अज्यूम दैट स्फेरिकल रेनड्रॉप इवोपरेट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। अब मुझे एक चीज बताओ,
एक अगर रैन ड्रॉप है, अगर ये इवापरेट होगा तो ऐसे ऐसे इसका साइज कम होते जाएगा, मतलब इन शॉर्ट ये क्या कम होते जाएगा, वॉल्यूम कम होते जाएगा। तो द रेट डी वी बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, बट डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम लिखते हैं ना 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल है इक्वल टू माइनस के सरफेस एरिया इज 4πr². 4/3, अब इसे कर लेते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, सही कर लेते हैं, ओके 4/3 πr³ का डेरिवेटिव 3r² dr/dt माइनस के 4πr² नाउ कैंसिल आउट करते, 3 से गया 4πr² गया। अगली बात कर लेते हैं dr/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू माइनस के dr = -kdt इंटीग्रल r = -kt + c एक एक्सप्रेशन आया। फिर इसमें क्या बोलता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस सच दैट ओरिजिनली रैन ड्रॉप रिड्यूस फ्रॉम 3 mm टू 2 mm इन 1 आवर। ठीक है, तो पहले 3 mm डालते हैं इनिशियली, लेट गिवन, अगले पेज पे जाना सही रहेगा। आया क्या, r = -kt + c। तो कंडीशन 1 दे रखा है उसने कि ओरिजिनली मतलब टाइम 0 है तो रेडियस 3 mm है, टाइम 1 घंटे के बाद 1 आवर रेडियस 2 mm हो जा रहा है। ठीक है, रेडियस 2 mm हो जा रहा है, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, 0 डालने के बाद 3 = c आ गया, देयरफॉर रेडियस 2 डालने के बाद -k (1+c)3, सो देयरफॉर -1 = -k इंप्लाइज दैट k = 1। तो रेडियस जो है वो आ गया, k की वैल्यू 1 डाल दो माइनस टी, c की वैल्यू 3 डाल दो, तो रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया 3 - t। तो ये तरीका है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बट आई डोंट थिंक कि इस लेक्चर को मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है, ये आप कर लो। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को डाउट आए तो मुझसे डाउट पूछ सकता है, अगर वो अपने डाउट्स भेजेगा तो मैं डेफिनेटली उसके वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब जो अगली चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ वो इससे थोड़ी हटके है। ठीक है, कंसिडर द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व, एक कर्व ले लिया, ठीक है, फिर एक लाइन, थोड़ा सा कर्व को टेढ़ा और ड्रॉ करते हैं, पहले इसे लेते हैं, कर्व को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ऐसे, ये कर्व हो गया। फिर एक लाइन मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसे, चलो यहाँ से मान लो कि ये लाइन ऐसे, और ये पेन से इसे थोड़ा सा मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूँ, तो ये आपका बन गया टैंजेंट। ठीक है, और फिर इस पेन से लेके एक नॉर्मल बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने, ओहो इसे इरेजर से इरेज कर दूं, ये बना दिया मैंने नॉर्मल। ठीक है, फिर एक पॉइंट मैंने ले लिया PX1, Y1,
ये तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, श्योर ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, क्योंकि अगर समझदार हो तो ये तुम भी जानते हो। रुको ये थोड़ा सा सही कर लूँ मैं, इसे थोड़ा सा अंडू करता हूँ, अंडू करके फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। चलो जी, फिर एक लाइन ले लेते हैं जो परपेंडिकुलर का काम करेगी। हाँ ये हो गया परपेंडिकुलर, ये इसका लेंथ जो हो गया वो हो गया y1। कुछ नाम देते हैं, ये PT हो गया, PQ हो गया, ये परपेंडिकुलर का PM हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। जैसे इसे कहते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट PT। सेव होता है तो ये चला जाता है, PT लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट TM, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट PQ, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल ठीक है, QM लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये चीजें हैं। सो अगर तुम्हें इतना चीज समझ में आ गया है तो डेरिवेशन, तो अगर ये लाइन थीटा है तो टैन थीटा इसका स्लोप होगा, तो टैन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड ऑल्सो गिवन बाई dy/dx, dy/dx। चलो वन वन करके बातें करते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू गेट, यहाँ से टैन थीटा निकालते हैं, y1 अपॉन फिर ये TM हो जाएगा। सो टैन थीटा चलो जी, टैन थीटा इक्वल टू y1 अपॉन लेंथ ऑफ TM, तो TM का जो आंसर आ गया, लेंथ ऑफ TM का जो आंसर आ गया ठीक है, y1 अपॉन टैन थीटा, थीटा के अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो y1 अपॉन dy/dx। सो dx/dy इंटू y1 ठीक है। देन सपोज आई वॉन्ट टू गेट टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा y1 अपॉन MQ, y1 अपॉन MQ, लेंथ ऑफ MQ इम्प्लाइज दैट, ये लेंथ ऑफ QM ले लेते हैं या MQ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, y1 अपॉन टैन 90 माइनस थीटा इज वॉट कॉट थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा इज वॉट टैन थीटा, टैन थीटा इज dy/dx। सो वी गॉट लेंथ ऑफ टैंजेंट सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज, पेजेस, नाउ आई एम मूविंग टू प्रीवियस वन, पहले नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट PT, तो आई विल हैव टू गेट द साइन थीटा ठीक है, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज वॉट हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट लाइक दैट, सो PT इन्वॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट इफ आई वॉन्ट टू गेट कोसेक थीटा लेंथ ऑफ PT,
अपॉन वाई वन, वाई वन कोसेक थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ पी टी, बट आई वॉन्ट टू कनेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ टैन थीटा, तो इसको अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो, लेंथ ऑफ पी टी हो जाएगा। एंड द अगर टैन थीटा डी वाई बाई डी एक्स है तो कॉट थीटा डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी टी। तो ये एक आ गया टैंजेंट। फिर प्रीवियस पेज पे चलते हैं, फिर ऐसा कुछ कनेक्ट करते हैं कि पी क्यू आ जाए। तो पी क्यू लाने के लिए अगर मैं इसको मैं पकड़ूँ तो हाइपोटेनस कोसेक 90 माइनस थीटा कर लेते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा इज अपोजिट अपॉन हाई सॉरी पी क्यू अपॉन वाई वन, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है 90 माइनस थीटा, तो लेंथ ऑफ पी क्यू अपॉन वाई वन विच इज गोइंग टू बी सेक थीटा इंटू वाई वन, लेंथ ऑफ पी क्यू। एंड सेक थीटा इज गिवन बाई, सेक थीटा इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इंटू वाई वन इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू। सो लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू वाई वन अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो ये सारी चीजें हमने एक पेपर पे लिख ली। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को, कि नंबर एक लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट, ठीक है। इफ यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ इफ P x1 comma y1 lies on y equal to fx, so length of tangent क्या होगा equal to, देखो पीछे जाओ हमने derive कर लिया है, length of tangent होगा y1 under root of 1 plus dx by dy का whole square, next y1 under root of 1 plus dx by dy का होल स्क्वायर, फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरा लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट निकाला हुआ है प्रीवियस, जाओ देखो सब टैंजेंट मतलब टी, सब टैंजेंट मतलब टी एम, टी एम निकाला हुआ है ना वाई वन डी एक्स बाई डी वाई, नेक्स्ट वाई वन डी एक्स बाई डी वाई, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 dy by dx, ठीक है। तो सारी चीजें हाँ y1 dy by dx। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर इसके प्रॉब्लम कैसे आएंगे, अगर आप इसे याद कर लेते हो अगर, और डिराइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत इजी है, काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब टैंजेंट सब नॉर्मल, दो मिनट मुझे दो, सो लेट मी फाइंड आउट ऑल दोस न्यूमेरिकल। ओके तो क्या ये डिफिकल्ट था, बिल्कुल नहीं। चलो दो न्यूमेरिकल ऐसे देखते हैं, ये भी कम आते हैं क्वेश्चंस। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द कार्टेशियन सब टैंजेंट वेरीज एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सिस, ठीक है। तो इफ क्वेश्चन हम वन लेते हैं,
लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट, पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट. फिर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि कार्टेशियन सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ एब्सिस, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ एब्सिस, सो वन अपॉन एक्स स्क्वायर. तो लेंथ ऑफ सब टैंजेंट क्या हो जाएगा, हमने पी एक्स कॉमा वाई भी लिया, तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि वाई डी एक्स बाई डी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बाई एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू के डी वाई बाई वाई, इंटीग्रल इंटीग्रल, आंसर इज एक्स क्यूब बाई थ्री इक्वल टू के एल एन वाई प्लस सी. सो लेट मी चेक, कुछ ऐसे ही आंसर दिया है, एल एन वाई रेस टू के दिया है. हाँ उसने कुछ नया नहीं किया, उसने ऐसे किया है, एक्स क्यूब बाई थ्री किया है, एल एन ऑफ वाई रेस टू के कर दिया है, इसे इसे मान लिया एल एन सी, एक्स क्यूब बाई थ्री एल एन ऑफ वाई रेस टू के इन टू सी. फिर अगले पेज पे हम जाते हैं, एल एन हटाया है एक्स बाई थ्री एल एन ऑफ सी इन टू वाई रेस टू के ई रेस टू एक्स बाई थ्री सी इन टू वाई रेस टू के वन बाई सी, केथ रूट लेना पड़ेगा, ठीक है केथ रूट लेना पड़ेगा, ठीक है यहीं तक छोड़ दो यार, वन बाई सी कर दो. अच्छा एक्स क्यूब बाई थ्री प्रीवियस पेजेस पे एक्स क्यूब बाई थ्री था ना, ठीक है वन बाई सी ई रेस टू एक्स क्यूब बाई थ्री इक्वल टू वाई रेस टू के वन बाई कॉन्स्टेंट इज लैम्डा ले लो ई रेस टू एक्स बाई एक्स क्यूब बाई थ्री. अच्छा ये तो मैं ऑप्शन देख के आंसर प्रिपेयर करता हूँ, ये तो मैं तो बहुत अर्ली स्टेज पे छोड़ दूँ, यहीं तक छोड़ दूँ. फिर अगला एक लास्ट न्यूमेरिकल आज की क्लास के लिए अब हम करते हैं. अच्छा हाँ एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया, रेडियस वेक्टर अगर बोलेगा ना तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर बोलेगा ना रेडियस वेक्टर तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकाल लेना. जैसे फाइंड द कर्व फॉर विच लेंथ ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, सेकंड लेंथ ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है देखो, लेंथ ऑफ नॉर्मल वाई अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है ये तो ऐसे आ गया, अभी इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें. फिर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बाई वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रल इंटीग्रल, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, y square equal to x square plus 2c, ऐसे समथिंग आ रहा है. हाँ अच्छा यहाँ प्लस माइनस भी डाल सकते हो, ठीक है प्लस माइनस डाल दो. तो प्लस माइनस में यहाँ आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है
तो x square plus minus y square equal to 2c. अब बोलो क्या दिक्कत इसमें आई, क्या ये टफ था? इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना था इसलिए कम प्रॉब्लम लिए, बट जो बच्चा इंटरेस्टेड है ऐसे प्रॉब्लम्स में, बहुत जल्दी ही जितने भी वीडियोस है सबके साथ असाइनमेंट भी जुड़ने वाला है. तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस कम देखे हैं तो देखते रहो, और अब असाइनमेंट जुड़ जाएगा तो सॉल्व करके उसे मुझे भेज दो, ठीक है? डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर, सारी चीज़ें आप पूछो. वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चा देख सकता है, कोई प्राइवेट ट्यूशन वगैरह का कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ नंबर आपके हेल्प के लिए दिया गया है. जो बच्चा एक्सट्रीम प्रॉब्लम में वो वीडियो देखे, और जिनको लिटरली किसी तरह की हेल्प चाहिए वो मुझे कॉल कर सकते हैं. टिल देन थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, ठीक है? अब अगले वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन पेपर. तो हम एक और जेई मेंस और एक जेई एडवांस का पेपर सॉल्व करेंगे. जेई मेंस होगा 13-17 और एडवांस होगा 2001 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. टिल देन थैंक यू वेरी मच.